ये पराठा खाने में जितना टेस्टी और चटपटा है उससे कहीं ज़्यादा पौष्टिक भी है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ बथुए के साग का बहुत ही टेस्टी और चटपटा पराठा। इसे आप इजीली 10 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं और खाने में ये गजब का टेस्टी और चटपटा है। बथुए के साग का सीजन है तो ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, तो आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे आसान तरह से बनने वाला बथुए का बहुत ही टेस्टी पराठा। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बथुआ के साग का पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बथुए का साग लिया है। इसके मैंने जड़ और मोटे डंठल निकाल दिए हैं, सिर्फ पतले डंठल और पत्तियाँ ली हुई हैं। तो सबसे पहले इसे अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे और इसे बिल्कुल बारीक काट लेते हैं। इसे अच्छे से धोकर ही यूज करें क्योंकि बथुए के साग में मिट्टियाँ बहुत रहती हैं। अब यहाँ पर मैंने सारे बथुए को धोकर अच्छे से साफ कर लिया है और इसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। कच्चे बथुए के साग का पराठा बनाना है तो इसे जितना बारीक काटेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो अब इसे इसी तरह से रख देते हैं और आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब एक बड़ा परात लेंगे और इसमें 2 कप गेहूँ का आटा डाल देते हैं। हमारा बथुआ थोड़ा ज़्यादा है तो इसीलिए मैंने 2 कप गेहूँ का आटा लिया है। अगर आपके पास बथुआ कम है तो कम आटा ही डालें। अब इसी में 1/4 कप बेसन डालेंगे, ये 3 टेबल स्पून है, और इसी के साथ इसमें 1/4 कप बाजरे का आटा डाल देते हैं, इससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप मक्के का आटा, ये देखिए इस तरह का हल्का पीले कलर का होता है, इसे भी डाल देते हैं। आप इसे सिर्फ गेहूं के आटे में बेसन मिलाकर भी बना सकते हैं, या फिर जो भी आटा आपके पास हो इसमें डाल दें तो ये ज़्यादा पौष्टिक बनेगा। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। अच्छे कलर के लिए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। अब इसी में 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर नहीं है तो आप इसमें साबुत जीरा भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और इसी में 1/4 चम्मच गरम मसाला भी डाल देते हैं। आप जो भी मसाले सब्जी में यूज करते हैं थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दें। अब इसमें जाएगा टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, नमक आप कम ज़्यादा कर लें। अब इसे चटपटा करने के लिए इसमें 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डालेंगे, इससे पराठा अच्छा चटपटा बनेगा। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला या फिर नींबू का रस या दही भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 5 से 6 कलियाँ लहसुन का, 3-4 हरा मिर्च और 1 इंच अदरक के टुकड़े को खलबट्टे में डालकर बिल्कुल दरदरा कूट लिया है, ये 2 टेबल स्पून है, आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे डाल देते हैं, इससे पराठा चटपटा बनेगा। आप चाहें तो इसे काट कर भी इसमें डाल सकते हैं। अब सारे चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं जिससे सारे मसाले आटे में अच्छे से मिल जाएं। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब इसमें हम डाल देते हैं बथुआ का कटा हुआ साग, सारे साग हम इसमें डाल देंगे और इसी के साथ इसमें 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। अब साग भी आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बथुए के साग का पराठा आपने कई तरह से बनाकर खाया होगा, लेकिन इस तरह से ये सबसे आसानी से बन जाता है। अब साग आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है, इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा लेंगे, जैसे हम नॉर्मल पराठे के लिए आटा लगाते हैं उससे भी थोड़ा सॉफ्ट इसका आटा लगाना है। अब हमारा आटा भी लगकर रेडी हो गया है और ये देखिए मैंने इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से दबाने से ये आसानी से दब जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह के मुलायम आटा रखें तो पराठे भी सॉफ्ट बनेंगे। तो अब इसे इसी तरह से ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं जिससे आटा अच्छे से सेट हो जाए। इसे रखे हुए 10 मिनट हो गया है और अब आटा अच्छे से सेट हो गया है तो अब हाथ में थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे एक बार फिर से थोड़ा सा मसल लेंगे जिससे आटा अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए अब आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसमें से थोड़ा थोड़ा आटा लेंगे और पराठे के लिए लोइयाँ बना लेते हैं। इसे थोड़ा सा गोला करेंगे और इसे चपटा कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे चकले पर रखेंगे और इसे थोड़ा सा बेलकर बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, ऑयल या घी आप जो भी यूज करते हैं लगा लें। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं और इसके ऊपर फिर से ऑयल लगाएंगे और इसे दोबारा से फोल्ड कर लेते हैं। अब इसे हल्का सा दबा देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेलकर बड़ा कर लेते हैं। मैं इसे ट्रायंगल में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसका गोल पराठा भी बना सकते हैं, और आप इसे जितना छोटा बड़ा पतला मोटा बनाना चाहें बना लें। अब ये हमारा पराठा बनकर रेडी हो गया है और ये देखिए इसे मैंने इतना पतला बेला है तो अब इसे रख देते हैं और इसी तरह से और भी पराठा बना लेते हैं। पहले लोई लेंगे,
इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेलकर थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब इसमें ऑयल लगाएंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। उसके ऊपर फिर से ऑयल लगाएंगे। अब इसके ऊपर फिर से ऑयल लगाएंगे और इसे फिर से फोल्ड कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेलकर बड़ा कर लेते हैं। आप जितना पतला मोटा चाहें बेल लें। अब इसे बेलकर बड़ा कर लेंगे। अभी हमारा दूसरा पराठा भी बनकर रेडी हो गया, तो इसी तरह से दो तीन पराठे और बेल लेते हैं। अब यहाँ पर इतना पराठा मैंने बेलकर रेडी कर लिया है, तो बस अब इसे सेक लेते हैं। अब गैस पर तवा रखेंगे और तवा अच्छे से गर्म होने देते हैं। तवा गर्म हो गया है तो अब इस पर पराठे डाल देते हैं और इसे इसी तरह से एक दो मिनट छोड़ देते हैं। इस समय गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखें। अब एक तरफ हो गया है तो इसे धीरे से पलट देते हैं और इसके ऊपर ऑयल लगा देते हैं। ऑयल लगाने के बाद इसे फिर से पलट देंगे और दूसरी तरफ भी अच्छे से तेल लगा देते हैं। आप घी या फिर ऑयल जो भी चाहें यूज कर लें। और ये देखिए अब ये धीरे धीरे फूलने लगा है, तो अब इसे धीरे से पलट देते हैं और दोनों तरफ उलट पलट के इसे अच्छा क्रिस्पी और चित्तियाँ पड़ने तक सेक लेते हैं। ये कच्चे बथुए का पराठा है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं फूलता है। अब इसे उलट पलट के सेक लेते हैं। अब ये काफ़ी फूल गया है और दोनों तरफ अच्छे से पक भी गया है, तो अब इसी स्टेज पर इसे निकाल लेते हैं और इसी में और भी पराठे डालकर सेक लेते हैं। अब इसी पर और पराठे डाल देते हैं और इसे दो मिनट इसी तरह छोड़ देते हैं। अब ये एक तरफ हो गया है तो इसे धीरे से पलट देते हैं और इसमें ऑयल लगाएंगे। अब इसे दूसरी तरफ पलट देंगे और दूसरी तरफ भी ऑयल लगाएंगे। और ये देखिए अब ये भी फूलने लगा है, तो अब इसे हल्का हल्का इस तरह से दबा देंगे जिसे अच्छे से फूल जाए और इसे उलट पलट के अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं। अगर आप इसे सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो इसे कम सेकें और अगर क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लें। अब ये दोनों तरफ अच्छा क्रिस्पी हो गया है और अच्छे से इसमें चित्तियाँ भी पड़ गई हैं, तो बस अब इसी स्टेज पर इसे निकाल लेते हैं और इसी तरह से और भी पराठे सेक लेते हैं। अब बथुआ का गर्मा गर्म पराठा सर्व के लिए रेडी है। आप इसे टोमेटो सॉस, चिली सॉस, हरी धनिया की चटनी, सब्जी, दही किसी के भी साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप तो जानते ही हैं बथुए का साग कितना पौष्टिक होता है, तो ये पराठा भी बहुत पौष्टिक है। बथुआ के साग का सीजन है तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। जो लोग बथुआ का साग नहीं खाते हैं वो लोग भी इसे बड़े चाव से खाएंगे। अब मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसके एक एक परत कितना आसानी से अलग हो जा रहे हैं, ये अच्छे से फूल गया है और ये खाने में गजब का टेस्टी और क्रिस्पी है। आप इसे बनाकर खाएं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे कैसे बनाया और ये पराठा आपको खाने में कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।